हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल। बच्चे आज आप साइंस का चैप्टर नंबर 9 करांगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, लिविंग होंगे ने अपने को जीवंदे ऑर्गेनिजम्स होंगे ने जीव जंतु, तो वो सराउंडिंग्स विच किवें रह रहे ने। सब तो पहला आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच एनेबल अ प्लैनट एंड एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। कहते स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक फीचर या फिर स्पेसिफिक प्लांट एंड एनिमल जोड़ा कि अपने आप में जिस जगह जिस हैबिटेट होंगे बच्चे अपने को, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम लिव, वो वाली जगह जितने कोई ऑर्गेनिजम रहा है, ठीक है, उस जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे ने, बना लेंगे ने, तो उस प्रोसैस में की बोल दें आप अडेप्टेशन। द हैबिटेट ऑफ ऑल द प्लांट और एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, कहते वाले हैबिटेट प्लांट्स के एनिमल्स जोड़े लैंड पर रहेंगे ने उन्होंने की बोल दें आप कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। उस तो बाद द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वो वाले एनिमल्स या प्लांट्स जोड़े कि वाटर च रेंदे ने उन्होंने की बोल दें आप एक्वैटिक हैबिटेट। एक्वैटिक होंगे ने वाटर वाले एनिमल्स या प्लांट्स, और जोड़े लैंड उपर रेंदे ने बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सॉयल वाटर एंड एयर आर कॉल्ड डैश फैक्टर्स ऑफ द हैबिटेट। सॉयल एयर एंड वाटर की ने अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होंगे जोड़े नॉन लिविंग होंगे ने। नेक्स्ट आगे ट्रू फॉल्स, कहते देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट्स, कहते डेजर्ट्स से बहुत सारा पानी होंगे, नो इट्स अ फॉल्स, डेजर्ट से पानी की कमी होंगी, इट्स अ स्कैसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट आ गया अपने को सेकंड, कहते एक्वेटिक प्लांट्स आर फाउंड ऑन लैंड, कहते एक्वेटिक प्लांट्स जो लैंड पर अपन मिलते हैं, नो एक्वेटिक प्लांट्स पानी वाले होंगे ने, क्योंकि एक्वा वर्ड का मतलब होंगे बच्चे इतने अपने को वाटर, ठीक है। सो जो अपने को पानी से प्लांट्स होंगे ने उन्होंने आप बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, बट ये कहते लैंड उपर होंगे ने, सो नो इट्स अ फॉल्स। फ्रॉग हैव स्ट्रोंग बैक लैगस, कहते फ्रॉग दैक लैगस दो फ्रंट लैगस होंगे दो बैक लैगस होंगे ने, बैक लैगस बहुत स्ट्रोंग होंगे ने, येस दे हैव स्ट्रोंग लैगस, जिसे करके ईजली ग्रिप बनते अपने को हाई जंप कर सकते हैं। सो ये ट्रू आ गया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेम करैक्टरिस्टिक्स, कहते जिन्हें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने लिविंग थिंग्स ने सारे करैक्टरिस्टिक्स सेम ने, सारी इंस्पायर करते हैं, सारे फूड खाते हैं, सारी ग्रो करते हैं, सो येस इट्स अ ट्रू। कहते लाइफ इज़ अ डल, कहते लाइफ एक डल है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, नो लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अपने को ब्यूटीफुल है, सो इट्स अ फॉल्स। नेक्स्ट आगे बच्चे अपने को एमसीक्यूज, कहते पिक आउट द लिविंग थिंग अमंग द फॉलोइंग, इन्हें जो केड़ी चीज़ अपने को लिविंग है, लिविंग थिंग केड़ी होएगी अपने को जड़ी कि अपने को जिंदा होएगी, साह लेंदी होएगी, ग्रो करेगी अपने को लिविंग थिंग होएगी। फर्स्ट वन इज़ प्लो, वाटर, मशरूम या वूल, इन्हें सागे के अपने को लिविंग थिंग केड़ी है, मशरूम, मशरूम ग्रो करते हैं अपने को एक सब प्लांट, ठीक है, वेजिटेबल की फॉर्म से आप खाने नू, ठीक है, ग्रो भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं अपने को। नेक्स्ट आ गया सेकंड, कहते गिल्स आर ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ फिशेज, फ्लाइज, फ्रॉग्स एंड नन, कहते जोड़े गिल्स अपने को ब्रीथिंग ऑर्गन है, इट्स अ फिशेज, फिशेज के गिल्स होंगे ने जिद थ्रू फिशेज की ने सह लेंदियां ने। फैक्टर्स नीडिड फॉर अ सीड टू जर्मीनेट, कहते कि फैक्टर्स आ जिद करके कोई सीड है जोड़ा जर्मीनेट होएगा, जर्मीनेट वर्ड का मतलब होंगे सीड जोड़ा अपने को ग्रो होना स्टार्ट होएगा। सो इट वाटर या ऑल, इट्स ऑल, ठीक है, एयर, वाटर, अपने को सनलाइट सारी चीज़ें कि ने अपने को किसी ऑर्गेनिजम को ग्रो करवाने लिए चाहिए ने। नैक्सट द प्रोसैस बाय विच वेस्ट मटीरियल ऑफ अ बॉडी आर थ्रोन आउट, वो वाला प्रोसैस जिसे अपनी बॉडी से जिन्ना भी वेस्ट मटीरियल है वो बाहर निकालिया जाता, बॉडी से थ्रो कराया जाता है, उसको की बोलते हैं डाइजेशन, रेस्पीरेशन, एक्सक्रीशन या नन। डाइजेशन का बच्चे फूड को हजम करना, रेस्पीरेशन साह क्रिया, एक्सक्रीशन होंगे वो प्रोसैस जिद करके अपनी बॉडी से जिन्ना भी वेस्ट मटीरियल है बाहर निकलना, ठीक है, सो एक्सक्रीशन। नेक्स्ट आगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बच्चे, व्हाट इज़ हैबिटेट, हैबिटेट होंगी की है, कहते सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, वो वाली जगह जितने कोई जीव जंतु रहते हैं उसमें की बोल दें आप हैबिटेट। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन लिविंग, हूँ इन्हें आप दसने भी कि नॉन लिविंग आ, नॉन लिविंग बच्चे किमें आप पता लगे नहीं अपने को जड़ी चीज़ साह नहीं लेंदी, जड़ी चीज़ जिंदा नहीं हैगी, ठीक है, साह भी नहीं लेंदे, ग्रो भी नहीं करते अपने को सारे कि नॉन लिविंग, फ्लो, मशरूम, सीविंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर या अर्थवॉर्म्स, इन्हों के नॉन लिविंग ने बच्चे अपने को सारी चीज़ें नॉन लिविंग है, जिमें प्लो हो गया, प्लो होंगे खेत के बच्चे अपने को खेतों की बिजाई करनी, ठीक है, सीविंग मशीन अपने को कपड़े सिवन वाली मशीन, रेडियो हो गया, बोट होगी, वाटर हो गई, ये सारे कि ने अपने को नॉन लिविंग, मीनस ये लिविंग की सी, एक मशरूम जो कि असं देखो आंसर च नहीं लिखा, और एक सी अर्थवॉर्म, ठीक है, मशरूम तो अर्थवॉर्म की ने, अर्थवॉर्म के बच्चे अपने को कीड़े मकौड़े छोटे छोटे, सो सारे सह लेंगे ने जिंदा ने, सो दोनों के लिए अपने को नॉन लिविंग नहीं हैगी, लिविंग नहीं। नेक्स्ट आगे बच्चे अपने को नेम द ट्रीज फाउंड ऑन माउंटेन्स, कहते पहाड़ों से किड़े किड़े अपने को ट्री मिलते हैं अपन, ओक, पाइनस एंड ड्यूडर्स। नेम टू नॉकटर्नल एनिमल्स, दो नॉकटर्नल एनिमल्स किड़े किड़े ने अपने को जो रात में जागद, ओल एंड बैट।
नेम वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट्स से केड़ा केड़ा वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, प्लांट्स जिम्मे अपनी बॉडी भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो कहते प्लांट्स से अपने को वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, इट्स गम एंड लेटर। नेक्स्ट आ गया बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग। कहते नॉन लिविंग थिंग दैट शो एनी टू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कहते एक एग्जाम्पल लो जड़ी की चीज़ अपने को नॉन लिविंग है बट अपने को करैक्टरिस्टिक बिल्कुल एग्जाम्पल कर दिए सेम होंगी अपने को जिम्मे कि लिविंग हो बट अपन फिर भी नॉन लिविंग ही कहने लिविंग कैटेगरी से नहीं लैके आते। कहते क्लाउड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग। क्लाउड्स कहते क्लाउड्स ने बदल बचे बदल जड़े ने कहते अपने को नॉन लिविंग आ बट कहते अपने को ग्रो कर दिया जिमें जिमें पानी वैपरेट पानी भाफ बन के उड़ी जा रहा बदलों के कहते अपने को बदल बनी जा रहा ठीक है क्लाउड्स बनी जा गए हैं और क्लाउड्स कि अपने को हौली हौली हैवी हो रहे हैं इन साइज विद टाइम एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। हाँ जी जो क्लाउड्स ने कहते अपने को नॉन लिविंग है बट वो ग्रो करते हैं विद टाइम एंड मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एक जगह तो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। सो क्लाउड्स की हो गया अपने को लिविंग नॉन लिविंग। नेक्स्ट आगे डिफाइन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की होंगी है कहते रिप्रोडक्शन द लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस। हाँ जी बच्चे कहते लिविंग ऑर्गेनिजम जोड़े कि कहने रिप्रोड्यूस देर ऑन काइंड अपने वर्गी हो रिप्रोड्यूस कर लेंगे ने उस प्रोसैस में की बोल दें आप रिप्रोडक्शन ठीक है। हाउ आर एनीमल्स अडोप्टेड टू लिविंग इन माउंटेन रीजनस। कहते माउंटेन रीजनस जो एनीमल्स ने वो किमें अपने आप को अडोप्ट कर लेंगे ने पहाड़ी एरिया कहते एनीमल्स किमें रहेंगे ने कहते एनीमल्स हैव थिक रीजन क्योंकि अपन पता बच्चे माउंटेन रीजन बहुत ठंडा एरिया होंगे। सो दीज एनीमल्स हैव थिक स्किन कहते थिक मतलब मोटी स्किन होंगी है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड जी कि उन्होंने ठंड तो बचाती है। याक विच हैव स्ट्रोंग हूव्स फ्रॉम रनिंग अप रॉकली स्लोप्स। कहते जो याक है उतने का एक जानवर है अपने को एनीमल है जोड़ा कि ईजली इधर के स्लोप्स के अंदर पर रह